आइए आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में तो मैं आप सबके लिए एक लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ जैसे कि अब ये सिक्स नंबर पैर के लिए है तो मैंने यहाँ पे देखिए इक्यावन फंदे डाल के रखे हुए यानी फिफ्टी वन फंदे डाले हुए हैं और यहाँ पे मैंने बॉर्डर बना के रखी हुई है दस लाइन की यानी एक उल्टी और एक सीधी की बॉर्डर बनाते हुए मैंने यहाँ पे दस लाइनें कम्पलीट की हुई है जब आपकी दस लाइनें कम्प्लीट हो जाए उसके बाद एक लाइन सीधी सीधी बना लेंगे और दूसरे साइड उल्टा उल्टा, उल्टा पूरा लाइन बना लेंगे यानी दो लाइनें हम इसमें निकाल लेंगे उसके बाद तीसरी लाइन से हम देखिए यहाँ पे डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में एक घंटी आएगी उसे भी दबा लें ताकि मेरी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती है कि मैं कौन सी वीडियो कब डालती हूँ आप प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें आप लोग और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें आप लोग तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बनाना तो देखिए किस तरह से बनेगी ऐसे टोटल यहाँ पे फिफ्टी वन फंदे हैं हमारे तो यहाँ से पहले हम वाइट कलर से ट्वेंटी फोर फंदे बुन लेंगे यानी चौबीस फंदे हमें पहले सीधा सीधा बुन लेना है इस तरह से चौबीस फंदे यहाँ से हम बुन लेते हैं पहले को खींच लेंगे ताकि टाइट हो जाए ये तीन हो गया चार पच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस और ये चौबीस चौबीस फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए अब देखिए एक फंदा बिना बुने हम उतारेंगे इस तरह से पच्चीसवा फंदा हमने इस तरह से बिना बुने उतार लिए अब जो छब्बीसवा फंदा है यानी सिक्स ट्वेंटी सिक्स वाले जो फंदे हमारे इसमें यहाँ से नीचे से एक लाइन नीचे से हम यहाँ से इसकी बुनाई करेंगे तो इस तरह से देखें एक फंदे से हमें सात फंदे बनाने एक बार हो गया थोड़ा लंबा खींच से फिर धागा घुमाएंगे ये दो हो गया फिर नीचे डालेंगे यहाँ पे ये तीन हो गया फिर धागा घुमाएंगे चार फिर से डालेंगे पाँच फिर से धागा घुमाएंगे छ और यहाँ से निकालेंगे ये टोटल हो गया सात अब जो ये फंदा हमने यहाँ पर इससे जिसके फंदे से हमने नीचे से बनाया हुआ था ये फंदा को हम इस तरह से छोड़ देंगे ऐसे अब इसके बगल वाला फंदा यानी सत्ताईसवा नंबर वाला जो फंदा है इसे बिना बुने हम इस तरह से उतार लेंगे अब अगले यहाँ से यहाँ तक चौबीस फंदे हैं इसे हम नॉर्मल सीधा सीधा बना लेंगे चलिए इधर से चौबीस फंदे को हम सीधा बना लेते हैं तो देखिए उल्टे साइड से यहाँ से हमने चौबीस फंदे को उल्टा बुन लिया है और जो ये रेड कलर का फंदा बिना बुने हमने उतारा हुआ था इसे बिना बुने इस तरह से उतार लेंगे धागा को इस और ले जाएंगे और जो फंदे हमने इस तरह से बनाए हुए थे फ्लावर डिजाइन में इसे हम एक एक करके सात फंदों को सीधा बना लेंगे एक दो तीन चार और ये सात। धागा अपनी ओर करेंगे और ये बिना बुना फंदा रेड कलर का इसे उतार लेंगे इस तरह से अब अगली जितनी भी फंदे हैं सभी को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया आप इसे तो चलिए ये लाइन इसी तरह से कर लेंगे तो वाइट कलर की हमारी दो रो कंप्लीट हो गई है अब यहां से हम रेड कलर लेंगे और रेड कलर से सारे फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे और उल्टे तरफ से उल्टा उल्टा फिर वो तीसरे कलर में भी जब हम आएंगे तीसरी लाइन में फिर से वाइट बनाएंगे तो फिर हम डिजाइन डालेंगे इस तरह से देखिए पूरी लाइन पहले हम सीधा सीधा बना के रेड कलर से कंप्लीट कर लेते हैं जो फ्लावर वाले डिजाइन है उसे भी हम सीधा सीधा ही बना लेंगे इस तरह से सीधा बना लेंगे पूरी लाइन ये जो हमारी ये डिजाइन दिख रही है इसे भी हम सीधा बना लेंगे इस तरह से हमने सारी सीधी लाइनों को सीधा बना के कंप्लीट कर लिया देख सकते हैं अब उल्टी साइड उल्टी साइड सारे फंदे को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे यानी हर दो लाइन के बाद हम यहाँ डिजाइन डालेंगे तो डिजाइन हमें छह बार डिजाइन डालेंगे एक बार हमने डिजाइन डाल लिया है और पाँच बार डिज़ाइन डालेंगे तो एक बार और डिज़ाइन दिखा देती हूँ आपको ये पूरी रो हम उल्टा बना के पहले कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं पूरी लाइन उल्टी बना के कंप्लीट कर लिया तो देखिए हम सीधी साइड आ गए सीधी साइड अब हम व्हाइट कलर से बुनेंगे तो वाइट कलर से पहले हम यहाँ से सत्ताईस फंदे बुन लेंगे पहली लाइन में हमने डिज़ाइन बनाया था तो चौबीस बनाए हुए थे उसके बाद हमने डिज़ाइन डाला हुआ था एक फंदा उतारते हुए उसके छब्बीसवें फंदे पे हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाला था इस बार देखिए हम सात फंदे हमारे यहाँ बढ़ गए हैं तो हम यहाँ से पहले सत्ताईस फंदे बुनेंगे सात फंदों में से जो हमारा बीच का फंदा है यानी चौथा नंबर का जो फंदा होगा उसमें हम डिजाइन डालेंगे और उसके बाद जो हमारे तीन फंदे इधर आएंगे उसे हम उतार लेंगे यानी यहाँ से हमें तक सत्ताईस फंदे बुन लेने हैं तो देखिए किस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए हम सॉरी यहाँ से हम व्हाइट कलर लगाएंगे व्हाइट कलर से पहले हम सत्ताइस फंदे बुन लेंगे देखिए एक दो तीन चार पच सात, आठ नौ दस ग्यारह इसी तरह से सत्ताईस फंदे बुन लेते हैं हम ट्वेंटी सेवन फंदे बुनने हमें यहाँ से यहाँ तक हमने सत्ताईस फंदे बुन के कम्प्लीट कर लिए यानी ट्वेंटी सेवन फंदे हमने यहाँ से यहाँ तक बुन लिए हैं इन सात फंदों में से देखिए दो फंदा हमारा बुन बुन चुके हैं हमने अब ये जो है सात फंदों में से ये जो तीसरा नंबर का फंदा हम बिना बुने इस तरह से उतारेंगे अब इस चौथे नंबर वाले फंदे पे हम देखिए जो सात फंदे थे इसमें जो चौथा नंबर का फंदा इसके नीचे से हम फिर से वही डिज़ाइन रिपीट करेंगे इस तरह से डालेंगे हम यहाँ से नीचे से और यहाँ से डालते हुए हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे फंदे को लंबा खींचे जरा नहीं तो ये फ्लावर अच्छे से बन के नहीं आएगी इस तरह से लेंगे हम फिर धागा घुमाएंगे दो फंदे हो गए फिर से नीचे से डालेंगे हम यहाँ से ये तीसरा फंदा हो गया फिर धागा घुमाएंगे धाग चार हो गया फिर से नीचे से डालेंगे ये पांचवा फंदा हो गया यानी फाइव फिर से धागा घुमाएंगे छः और फिर से इसके अंदर से डालेंगे ये टोटल हो गए सात यानी सेवन फंदे हमें इसमें से बनाने हैं अरे ये जो फंदा अगला वाला फंदा इसे हम इस तरह से गिरा देंगे उसके बाद वाला फंदा हम इस तरह से उतार लेंगे सात फंदों में से हमने देखिए लास्ट का दो फंदा बच गया है पाँच फंदों को हमने यूज़ कर लिया अब जो फंदे बचे हैं सभी को हम सीधा सीधा बना के कम्प्लीट कर लेंगे यानी इधर भी हमारे सत्ताईस फंदे रह जाएंगे इसे भी हम इस तरह से सीधा सीधा बना के कम्प्लीट कर लेते हैं तो देखिए उतारा हुआ फंदा से पहले जितने भी हमारे पीछे के फंदे हैं सभी को हमने उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट कर लिया अब जो रेड कलर का फंदा है बिना बुने उतारा हुआ था इसे बिना बुने उतार लेंगे धागा उस और करेंगे और जो भी फंदे हमने एक फंदा से सात फंदा बनाया था इन फंदों को हम उल्टे साइड से सीधा बना लेंगे एक एक करके सात फंदे हम सीधे बना लेंगे यहाँ पे दो हो गया ये तीन चार पाँच छ और ये सात सात फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए धागा अपनी ओर करेंगे रेड कलर का फंदा जो बिना बुने उतारा था इसे बिना बुने उतार लेंगे अब जितने भी फंदे हैं सभी को हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे सभी को उल्टा बना के कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारी डिजाइन कंप्लीट होगी अब यहाँ से हम रेड कलर लगाएंगे रेड कलर का दो लाइन बनाएंगे हम सीधी तरफ से सीधी उल्टी तरफ से उल्टी फिर तीसरी लाइन पे फिर हम यहाँ से फिर ये डिजाइन डालेंगे तो इसी तरह से करते हुए हमें ये सिक्स डिजाइन कंप्लीट करना है सिक्स से सेवन डिजाइन कंप्लीट करेंगे उसके बाद फिर आगे दिखाते थे चलिए डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से आपको बनाना है दो कलर पहले हम बना लेते हैं दो लाइने बना लेते हैं रेड से सीधी तरफ से सीधे उल्टी तरफ से उल्टे फिर तो व्हाइट कलर से फिर से डिजाइन डालेंगे तो इसी तरह से करते हुए हम कंप्लीट करते फिर आगे दिखाती हूँ आपको तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है टोटल हमने देखिए सिक्स डिजाइन बना के कंप्लीट किया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी छः डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर ली हुई है छः डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद हमने रेड कलर से सीधे साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बनाते हुए कम्प्लीट किया उसके बाद यहाँ पे देखिए दो धारियाँ दिख रही हैं दो धारियाँ यानी कि हमने चार सिलाइयाँ यहाँ पे बना के कम्प्लीट की हुई है सीधे तरफ से उल्टी और उल्टे तरफ से भी उल्टी इसी तरह से करते हुए हमने चार लाइनें इसकी कंप्लीट की हुई दो धारियां आई है उल्टे की दो धारियां आई है अब यहाँ से देखिए इधर हमारे चौवालीस फंदे और इधर चौवालीस फंदे यानी टोटल के एट्टी एट फंदे हैं हमारे पास यानी अट्ठासी फंदे हैं मैंने एक फंदा इधर बढ़ा लिया था तो इधर चवालीस है और इधर चौवालीस है देखिए अब देखिए इन चौवालीस फंदों को हम आधे हिस्से को हम आगे बढ़ाएंगे और आधे को हम बाद में बुनेंगे तो पहले इन चौवालीस फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते हुए इसकी चौदह लाइनें कंप्लीट करेंगे यानी सात धारियाँ आनी चाहिए उल्टे उल्टे तरफ से तो यहाँ पे मैं दूसरा एक ले लेती हूँ सिलाई और यहाँ से इसे शुरू करेंगे बनाना इस तरह से लेंगे हम और यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए हम

सात धारियाँ कंप्लीट करनी है तो चलिए सात धारियाँ इसी तरह से कंप्लीट कर ली थी दोनों साइड उसके बाद फिर मैं आगे दिखाती हूँ इधर भी सात धारी करनी है इधर भी सात धारी तो यहाँ पे देखिए एक साइड हमने यहाँ पे धारियाँ बनाती हुए यहाँ पे फंदे बंद कर लिए हैं दूसरे साइड हमने यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है तो कितनी धारियाँ देखिए मैंने छारियाँ बनाई सातवी धारी नहीं बनाई दो धारी मेरे पहले से थी एक और ये दो यहाँ से छः धारियाँ बनाई है एक दो तीन चार पाँच और ये छः अब ये उल्टे तरफ से हम फंदों को बंद करेंगे तो किस तरह से देखिए दो फंदे एक करते हुए हम बंद करेंगे इसे एक साथ दो फंदे लेंगे दो का एक करेंगे वापस से इस फंदे को चढ़ाएंगे सिलाई पे फिर से दो लेंगे ये फंदा फिर से वापस चढ़ाएंगे और एक और एक फंदा लेंगे इसके साथ दो फंदे हो जाएंगे दो का एक करते हुए सारे फंदे को इस तरएंगे तरएंगे तरह से बंद कर लेंगे हम तो चलिए इसी तरह से फंदे बंद कर लेते हैं फिर दिखाती हूँ मैं आगे आपको तो दोनों साइड के हमने पंदे बंद करके तैयार कर लिए अब देखिए इसे सिलने का तरीका ये सीधा भाग है ये उल्टा इस तरह से रखेंगे तो यहाँ से सिलते हुए आएंगे हम नॉर्मल जैसे सिलाई सिलते हैं यहाँ से सिलेंगे और यहाँ से सिलते हुए आएंगे और यहाँ से दस से ग्यारह हमारी जो चेन है यहाँ तक हम छोड़ देंगे एक दो यहाँ है देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह इतना दूर हम छोड़ देंगे इतना दूर छोड़ देना आपको और यहाँ से यहाँ तक इसे सिल लेंगे ग्यारह चेन काउंट करके आप छोड़ दें उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं तो चलिए नॉर्मल सिलाई जैसे हम सिलाई करते हैं बस उसी तरह से हमें सिलना है यहाँ से पकड़ते इस तरह से सिलेंगे दो से तीन बार लगा दे ताकि यहाँ खुलने का संभावना ज्यादा रहता है इसलिए यहाँ पे दो से तीन बार हम गांठ लगा देंगे उसके बाद इसकी सिलाई करेंगे नॉर्मल जैसे सिलाई करते हैं बस उसी तरह से मिलाते हुए आपस में इसका सिलाई कर लें आप चलिए उतना दूर तक सिल लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको नॉर्मल ही सिलाई सिलना है सभी सिलाई को पकड़ते हुए आपस में इस तरह से सिलेंगे कहीं कम ज़्यादा ना हो बराबर करते हुए सिलें बीच में जो डिजाइन है उसे बराबर करते हुए सिलेंगे फिर इधर और इधर से ग्यारह चेन छोड़ देंगे उसका दिखाती हूँ मैं आपको इस तरह से यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई कर ली और यहाँ से देखिए ग्यारह चेन हमने छोड़ दिया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ये इलेवन अब देखिए किस तरह से सिलेंगे मे से ऐसे हम सिलते हुए आ रहे थे अब इसे इस तरह से करेंगे हम दो भागों में अब यहाँ बीच से सिलते हुए हम ऊपर तक जाएंगे और इधर से सिलते हुए इधर आएंगे तो देखिए किस तरह से पहले यहाँ पार कर लेते हैं इस तरह से ऐसे रखेंगे बराबर करते हुए इधर से इधर सिलते हुए जाएंगे नॉर्मल सिलाई जैसे हम करते हैं बस उसी तरह से सिलाई करेंगे इसमें चलिए दोनों साइड से इसे सिल लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं कि इसमें कितनी ग्राम ऊन लगी है और पैर में पहनने पर कि कैसे दिखती है तो इधर से इधर सिलेंगे और फिर धागा तोड़ते हुए ऊपर फिर यहाँ से जॉइंट करते हुए इधर सिल लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको तो मोजा सिल के हमने रेडी कर लिया इसे ऑन करेंगे देख सकते हैं यहाँ जीरो जीरो दिख रहा है अब इस सॉक्स को इसके ऊपर रखेंगे टोटल चौबीस ग्राम हमारी ऊन लगी है एक सॉक्स को बनाने में यानी चौबीस धोनी अड़तालीस ग्राम आपकी ऊन लगेगी दो सॉक्स बनाने में तो चलिए इसे पहन के दिखा देते हैं आपको कि कैसे लगेगी पैर पे ये तो देखिए पैर में पहनने पर कुछ इस तरह से आ रही है ये तो छः नंबर पैर के लिए मैं आपको कहूँगी कि फ़िटिंग आ रही है लेकिन आप क्या करें कि दो चार सिलाइयाँ और दो लाइनें और बढ़ा दें इसकी सबसे आराम से आ जाएगी और मैं आपको बता दूँ चार लाइन के लिए बना रहे हैं यानी फोर नंबर पैर के लिए बना रहे हैं चार नंबर पैर के लिए तो उसके लिए आपको फ्लावर देखिए कितनी डालनी होगी एक दो तीन चार फ्लावर डालें उसके लिए पाँच नंबर के लिए पाँच ही डालें छः नंबर के लिए डाल रही हैं तो यहाँ पे जो हमने दो सिलाइयाँ प्लेन प्लेन बनाई थी दो धारियाँ उसे थोड़ा सा और बढ़ा दें आप यानी दो धारियाँ बनाई थी तो तीन धारियाँ कर दें आप यहाँ पे और उंगली के लिए दो लाइनें और कर दें आप और सात नंबर के लिए बना रही है तो यहाँ पे सात फ्लावर दे दे एक दो तीन चार पाँच छः के लिए छः बनाए हैं सात के लिए सात बना दे आठ के लिए आठ फ्लावर बना दे लेकिन जो यहाँ पे उंगलियों के लिए मैंने जो बनाया हुआ है उसे आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा आठ के लिए आपको यहाँ पे फंदे जो मैंने यहाँ पर डाले हैं फिफ्टी वन फिफ्टी वन ही डालने हैं क्योंकि ये हमारी फैलती है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये यह फैलती है इस तरह से इसीलिए हमें ये फिफ्टी वन ही डालना है सिर्फ़ इधर के फंदे आपको ज़्यादा और बड़ा कम करना है बस इधर से ही फ्लावर ज़्यादा और कम करें और यहाँ से जो हमने ये बनाई हुई है इसे भी कम और ज़्यादा कर लें तो बस आपकी ये परफेक्ट बन जाएगी तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सॉक्स आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए वीडियो के साथ थैंक यू